कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। मेरे बीच में मनीष कुरैशी साहब है, मैं उनसे चाहूंगा कि आज इस जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसके बारे में 2 मिनट में अपनी बात रखे और जो कार्यकर्ता हो सब मुझे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जानिब से सारे देश में इस मोदी सरकार की तानाशाही, पेट्रोल डीजल घरेलू गैस इसमें बढ़ती कीमतों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। आज पूरा देश कोरोना की मार से आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहा है। सहूलत देने की बजाय या आम आदमी की जेब पे डाका मारने का काम, लूटने का काम मोदी सरकार कर रही है। क्रूड ऑयल की कीमत विश्व स्तर पर आज सबसे कम होने के बावजूद इस पर अधिक से अधिक बाहर लगाकर, टैक्स लगाकर ये गरीब जनता की जेब में डाका मारने का काम मोदी सरकार कर रही है। पिछले चंद वर्षों में ही 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा डाका इस देश की जनता का मोदी सरकार मार चुकी है। इसी के लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस तानाशाही के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। उसी का हिस्सा हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगिरी साहब ने भी आह्वान किया है कि हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया जाए। उसी के तहत आज भिगोंडी में इकबाल भाई के नेतृत्व में और जुबैर अंसारी साहब जो भिगोंडी के सदर है उनके नेतृत्व में यहाँ हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया। मैं भिगोंडी की जनता से, तमाम लोगों से, इस देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की तानाशाही के लिए हमें विवाह होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा हमारे हुकूक के लिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सिग्नेचर कैंपेन चलाकर इस सरकार के लिए अपना विरोध दर्शाएं। जय हिंद। अरे और ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं सुधर भाई, नारे का सबसे पहले तो मैं अनिश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि अनिश भाई आए हमारे प्रोग्राम में। और आज से जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी ने बोला था कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, और जब 60 रुपया पेट्रोल का दाम था और मोदी जी ने आज 107 रुपया लीटर पेट्रोल का दाम और गैस सिलेंडर का दाम 850 रुपया किया, हम तो यही बोलेंगे कि हमारे वही दिन लौटा दो, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए मोदी जी। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रताप परी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।